के मस्तक के ऊपर पट्टी बनी हुई थी और हंस दंत का पुत्र जिसका नाम सुदनमा था, वह सुदनमा उस घोड़े की पत्रिका को पढ़ता है, विचारशील होता है कि धर्मपुत्र कौन है, क्या भला है, और उसने घोड़ा ही छोड़ दिया। जैसे ज्वाला ने प्रसंग उठाया था, ऐसा ही प्रसंग उसके मन में आता है और जाकर के अपने पिता और महाराज हंसध्वज को घोड़े के बारे में बताता है और कहता है तो किस प्रकार से कह रहा था और कैसे महाराज हंसध्वज अपने पुत्र सुदनमा की बात को सुन रहे थे। यदमारी चंपावत नंगे रीमी एक नामी आ गयो तो
करेंगे भैया की।